चलो तनु आवा गया, अपन भी घर की तरफ निकले फटाफट। ये गवर्नमेंट एनिमेशन वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको एनिमेशन सिखाया गया था। तो कल रात में हुआ ये था कि जब हम लोग मेघदूत से आए तो मैं और तनु जो बात करे तभी जो इसका ये जो माइक है ये हो गया डिस्चार्ज। मतलब अच्छा खासा चला था, जो पुराना वाला था उसको मतलब ये नहीं समझ में आता था कि वो कितने घंटे चलता था। अब इसको मैंने चार्ज तो करा सुबह से, तो मैंने गूगल पे बोला था क्योंकि इसमें कोई इंडिकेटर तो था नहीं, बस लाल बत्ती जल जाती थी जैसे अभी कनेक्ट करने पर लाल जलता है, और इस पर बस लाल जलती थी और कुछ बताता नहीं था। एक तो कुछ बैटरी परसेंटेज का शो वगैरह करता नहीं है इसे में, तो मैंने गूगल पे पढ़ा तो उसने बताया, बोले कि या तो रेड है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, और अगर अदरवाइज उसका रेड है या कोई भी लाइट है अगर वो ऑफ हो जाता है समझ जाओ कि वो चार्ज हो गया, उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको चार्ज में से निकाल दो। तो यही हुआ, अभी मैंने चार्ज करा उसकी लाल बत्ती ऑफ हो गई और हो गया। तो कल जब घर पे गया मैं रात में तो मम्मी को ना यार इतना तो कोई नहीं भूखा रखता है जितना आपने रख दिया मेरे को ये वो करा। तो आज अपने पास आखिरकार दो दिन तक टिफिन नहीं आया, टिफिन आया देखो क्या क्या बना के भेजा है, चलो आओ चेक करते हैं। तो चलो अब्बा आया है भैया, देखते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि आखिर आज क्या क्या आया है। जैसे ये मेरा वो है पॉकेट मनी बैग है, इसमें मैं अपने सिक्के छुपा के रखता हूँ या जो जो भी बोलो तुम वो रखता हूँ। पता नहीं अब सिक्कों का क्या होगा, कोई हिसाब किताब अभी था नहीं मेरे पास बीच में, अब देखो वो लोग क्या करते हैं सिक्कों का। वाह, तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिल गई है ये है पूरी, और ये बड़े से डब्बे में क्या है, इसमें है आलू की सब्जी, और इस वाले डब्बे में है खीर। चल मतलब कल नाराज होने का कुछ तो फायदा हुआ कि इतना अच्छा अच्छा खाना आज अपन को खाने के लिए मिल गया, नहीं तो मेरे को लगा था कि आज भी वही सीन होगा। फोन आया था पापा का मेरे पास 11 बजे, बोले कि मैं खाना लेके आऊँ या भिजवा दूँ। मैंने कहा भैया आप तो भिजवा दो, वही बहुत है, खाने की स्टार्टिंग कर दी जाए क्योंकि भूख तो लग गई है और टाइम भी 1 बज गई है। तो सोचा क्यों ना अब खाना स्टार्ट कर ही लिया जाए, बस यहाँ के लोग मुझे थोड़ा चेंज से खाने भी तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ इंदौर की अगर जैसे कल को जब बाहर के लोग ये वीडियो देखेंगे तुमको बता दूँ कि इंदौर के लोगों को अगर तुम कुछ भी खाने के लिए देते हो, अगर खाना वगैरह भी देते हो तो उनको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री सेव चाहिए चाहिए, और वो आदत अब मुझे भी लग चुकी है कि मेरे को खाने के साथ कुछ ना कुछ चाहिए रहता है चटपटा खाने के लिए। तो ये है वो रतलामी सेव, लोंग सेव भी बोल रहे हैं पर इसको रतलामी सेव कहते हैं। इसका टेस्ट भाई साहब बहुत गजब का होता है, और पूड़ी के साथ तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल सीन हो जाता है इसका। तो चलो फटाफट खाना निपटाया जाए। तो फाइनली हमारी छुट्टी हो चुकी है हम दोनों की, 8:30 बजे और 9 बजे तक खाना खाना है मालूम है, है? ग्रहण लग चुका है तो भैया मतलब लगने वाला है, ग्रहण लगने वाला है इसलिए तो बोल रहे, बोले कि वो 9 बजे तक खा लो। और मात्र 15 मिनट और घर से यहाँ से वहाँ तक जाने में 15 मिनट लगते हैं, तो क्या करें रास्ते में खा लें। अरे ग्रहण का ही तो काम काज चल रहा है अभी, मेरे को वही तो बोले पापा, बोले ग्रहण लगने वाला है तो 9 बजे तक खाना खा लें। चलो अब डायरेक्ट घर पे मिलेंगे। हाँ मैं दिल्ली खाना क्यों खिलाया था पापा? ग्रहण लगने का कारण था। तो ग्रहण से क्या? ग्रहण में खाना नहीं खाते हिंदू घर में। और यहाँ पे 9:30 बज चुकी है और ये पागल इंसान मेरे को लेके जा रही है डी मार्ट। चलो फिर चले डी मार्ट और घूमते हैं आज डी मार्ट का रास्ते पे। चलो तो ये शॉपिंग हो गई है भैया इतनी सारी, और इसको एडजस्ट करना है एक बैग में जो है मैडम लेके आ रही है। ये नहीं पहले पिचकने वाले पाउच है,
सर डिमांड आने पे देखो आप लोगों को झोला याद से लाना चाहिए, क्योंकि हमको हर बार में यही डांट पड़ती है। तेरा हाथ हटा ले बस, उसके कैमरे पे आ रहा होगा। हर बार मम्मी यही डांटती है तो यह झोला लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अब झोले की एक दुकान खुल जाएगी, डिमांड से इतने झोले जा चुके हैं। और हाँ, हर बार जब भी आते हैं तो सामान भरने का काम मुझे ही मिलता है, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। अब जैसा कि बब्बू को लगता है कि ये एक झोले का सामान नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये एक झोले का आराम से सामान है, एक झोले में ये सब एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हर बार सामान भरने की ड्यूटी मेरी रहती है। हो चुका है डिमांड, हम लोग एकदम एंड टाइम पे आए थे। अब बस रह गया है तो ये बीबी का बिस्किट और इसकी बोतल, जो इसने अभी भी नहीं परचेस करी, वो भी कांच की। मना कर रखा है इसको, भैया तो उससे कांच का सामान नहीं सपरेगा, मतलब कि संभाल पाएगी तो मत ले, पर्सनल ले ली, मना कर दिया। बोला था ना मैंने जो सामान बाहर होगा बाकी सब आ जाएगा। बोतल रख ली, मैं बोल रहा हूँ एक तरफ, यहाँ नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। सब से घर जाके एडिट करेंगे वीडियो, फिलहाल के लिए इतना ही, नहीं अभी नहीं काटना, गंदी बात। चलो अब निकलेंगे अपन घर के लिए, झोला रखना है, घर जाके आराम से एडिट करके वीडियो। नहीं नहीं बीच में रखाएगा। चलो अब चलेंगे घर, घर जाके एडिट करके वीडियो डालेंगे। जो रूटीन अपन ने कल सोचा था कि 11 बजे सोना चालू करेंगे, 11 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे, उस पर कायम रहो। एडिट करके जाके सो जाओ शांति से, कल उठेंगे वापस से दुकान जाना है दिन भर के लिए, अभी यही चलता ही रहेगा। चलो मिलते हैं कल।